नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के मेन गेट के बाहर हम मौजूद हैं। यहां पर डेरा के अंदर से जो लोग श्रद्धालु डेरा से बाहर आ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या प्रोग्राम के तहत ये लोग आए हैं, कहां से आए हैं, बातचीत करते हैं लोगों से डायरेक्ट। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर सुखविंदर है नाम मेरा। सुखविंदर जी कहाँ से आए हो सर? सर मैं फिरोजपुर पंजाब से आया हूँ। सर फिरोजपुर से आए हो, आज किस लिए आप यहाँ पर आए हो? ये तो मैं सर पहला टाइम है, मैं देखने आया था कैसा कैसा रहा है, लेकिन यहाँ आकर मेरा ऐसा लगा मन बहुत खुश हुआ है मन का, यानी कि इससे पुराने अपनापन दिख रहा है। जो कोई भी मेल मिलाप है को देख रहा है, जाना है सारा एक दिन मिलकर जुल कर रह रहे हैं, जो बता रहे हैं वही बता रहे हैं अच्छा व्यवहार करो, ये काम करना अच्छा काम भलाई के लिए करो, कोई भी माड़ा व्यवहार नहीं बताया जा रहा जो फर्स्ट टाइम है। जी आप पहली बार आए हो, किसके साथ आए हो, आपको किसने मोटिवेट किया कि आपको डेरा के अंदर लेके जाना है? नहीं सर, मुझे मोटिवेट नहीं किया किसी ने, मैं तो फिर खुद मेरा शौक था। अच्छा, लेकिन अकेले आए हो आप? नहीं, मेरा फैमिली है, मेरा मिसेज है, मेरा बच्चा है और हमारा गांव का और संगता ही है। जी सर, तो आप यहाँ पर आए हो, अभी बाबा जी भी नहीं है, बाबा जी के बारे में आपके क्या विचार है? बाबा जी में सर बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन वो किसी का माड़ा नहीं सोचता है। जी, जो सोचता है अच्छे के लिए होता है, किसी का स्वभाव ठीक करने के लिए सोचते हैं, लेकिन उसको माड़ा क्यों कहिए हम? क्योंकि हमारी जो जिंदगी नुकसान करे उसे हम माड़ा कहते हैं, जो हमारी जिंदगी बदला दे उसे नुकसान उसे भगवान कहते हैं। जी उनके ऊपर सर बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सर दुनिया का व्यवहार है। जी, दुनिया कुछ भी बोल सकती है तो दुनिया के पीछे चलना पड़ता है, वो तो सतगुरु है। जी, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो दुनिया के पछतावे से कर रहे हैं। आप क्या कहना, आपके क्या विचार हैं, आज आप आए हो डेरा के अंदर, क्या लग रहा है आपको डेरा के अंदर आके, कितना के किस तरह के लोग यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे खुशी हो रही है, मैं डेरा के पास आज आया हूँ, मुझे खुशी है, मुझे बहुत अच्छे संस्कारी लोग मिले हैं जिन्होंने मैंने कुछ दिया है, उनसे लिया नहीं कुछ, मुझसे कुछ दिया है बनाने के लिए, बताया मुझे भी ऐसा काम करना है, आसपास सच्चाई के साथ चलना है, मिलजुल के साथ रहना है, कोई बुरे काम में मत जाना, कोई भी निजी नहीं दिखाया मुझे किसी भी तरह। जी आपको अंदर जो अंदर आज क्या क्या प्रोग्राम देखने को मिले? अंदर बाद मुझे सत्संग सुनने को मिला और गुरुजी के विश्वास बनने को मिला, ऐसा विश्वास करो कहो काम करने के लिए मैंने एक जिंद जाने की। जी गुरुजी ने बहुत सारे मानवता भलाई के काम चला रखे हैं, सारी दुनिया जानती है, सब सारा समाज जानता है। जी सर, जो उन्होंने कार्य चलाए हैं उन कार्यों से समाज में क्या बदलाव आया, देश में क्या बदलाव आया? सर देश में बदलाव आएगा, दो पहले बिगड़ गया था वो धीरे धीरे तिनके तिनका इकट्ठा होने के बाद टाइम तो लगता ही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, समय लगेगा, सारा इकट्ठा हो जाएगा। जी सर, और क्या आज समाज को गुरुजी की जरूरत है? जी सर, वो जरूरत है। क्यों? क्योंकि बुराई दिन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इस बुराई का सामना करने के लिए गुरुजी हमेशा आना ही चाहिए। गुरुजी जब यहाँ पर थे तो किस तरह से उन्होंने बुराइयाँ हैं, जो समाज में कुरीतियाँ हैं, किस तरह से ख़त्म करते थे? वो सारा वो एक ही आवाज़ से ख़त्म करते थे, जो संगत को कहना चाहिए भैया हम ये काम नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे, संगत वो ऐसा ही काम करती है। जी ओके, क्या आने वाले समय में भी आप डेरा में आएंगे आगे? जी जरूर आएंगे, हम तो हमारा फैमिली आती है, हम सब आएंगे, हम औरों को भी साथ लाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो भाई, अच्छा अच्छे संस्कार मिलते हैं, तुम भी चलो। दुनिया तक गलत मैसेज पहुंचा हुआ है गुरुजी के बारे में, कहें डेरा सच्चा सौदा के बारे में कहें कि गुरुजी गलत है, नेगेटिव है। क्वेश्चन तो मैं दोबारा भी कर, दुनिया का क्या कहना है, दुनिया उल्ट पुलट चलती रहती है, कहे तो तुम्हें आज मैं हूँ कल तुम कह रहे हो, तुम यहाँ ये कह रहे हो, हम दुनिया के पास नहीं, हम अपनी खुद की मर्जी करेंगे जो हमने दिल में कह रहा है। जी सर ठीक है ओके, हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे माध्यम से सरकार से अपील यही करेंगे भी सच्चाई और सच्चाई का साथ दे और न्याय का काम करें, गुरुजी को विश्वास। थैंक यू सो मच सर, सुखविंदर जी सर, सुखविंदर सिंह जी जो कि फर्स्ट टाइम आज डेरा सच्चा सौदा सिरसा में आया है, इनको यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा कि किस तरह एक समाज भलाई का केंद्र डेरा सच्चा सौदा है, इंसानियत का जहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है, बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, इनकी दिली इच्छा है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को जल्दी से जल्दी समाज के बीच लाया जाए। आपके क्या विचार हैं हमें वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट टाई के साथ। धन्यवाद।